Dreamstime.com audio. दोस्तों, ये 1000 का मैदान है। इसे 1000 को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। ये होटल था मिनी स्विस, इसमें से हम निकल रहे हैं आगे बैरागढ़ को, और रास्ते में नाश्ते का प्रोग्राम भी है। बहुत अच्छा होटल है, रेंट भी ठीक ठाक था, कमरे अच्छे थे, साफ सुथरे थे, फूड भी बहुत अच्छा था। हाय गाइस, आज का हमारा फिर मन यहीं रहने टिकने का है। आज बैरागढ़ नहीं जा पाएंगे, आज रुकेंगे कालाटॉक और डलहौजी। यहाँ पर हमने किया ब्रेकफास्ट, और ये हीरा भाई और काला भाई तो राइड थी, अनप्लान्ड राइड। इस राइड का नाम फकीरा ने दिया था अनप्लान्ड राइड, और अनप्लान्ड ही चल रही है। आज हमने निकलना था बैरागढ़ को, लेकिन यहाँ का जो मौसम है इतना सुहाना है, इतना अच्छा मौसम है कि हमारा मन किया कि एक रात और गुजारी जाए। और काला भाई ने बताया कि काला टॉप 1000 से भी अच्छी एक लोकेशन है जो ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने डलहौजी तो किया हुआ, काला टॉप गया हूँ, काफ़ी पहले गया हूँ मैं काला टॉप, लेकिन अपडेट हो जाता है, 8-10 साल हो गए काला टॉप गए मुझे। तो फकीरा भाई पहली बार आए हैं, तो इसीलिए हम सभी अब काला टॉप के लिए निकल रहे हैं। बाय बाय 1000। 1000 का भी अपना मज़ा है। 1000 की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ जो भी बादल आ गया उसने बारिश करनी है, पक्का वाला करनी है। अभी देखो, थोड़ी देर पहले का जो व्यू था यहाँ पे, सभी पहाड़ियाँ जो थी वो नज़र आ रही थी, लेकिन अभी बादल नीचे आ गए हैं, बिल्कुल नीचे आ गए हैं 1000 के। बाय बाय 1000। मौसम पूरा फॉगी हो रखा है, यही यहाँ की खासियत है कि एक ही पल में मौसम खुल जाता है और एक ही पल में बादल आ जाता है और पूरा फॉगी हो जाता है। शूट हो रहा है। हम पहुंचने वाले हैं लक्कड़ मंडी। अभी हम पहुंच चुके हैं लक्कड़ मंडी। लक्कड़ मंडी से ऊपर को जाएंगे काला टॉप को। अभी काले बाजी भी शायद यहाँ ही रुके होंगे, उससे भी मिलना है। अभी हम रुक गए थे भुट्टा खाने, हमारे पंजाब में छल्ली बोलते हैं। तो काला आगे निकल आया था, देखते हैं कहाँ मिलेगा काला। काला रे काला शाह काला, रख काला है रख काला है, सड़ा काला है, काला 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 है। ये रहा काला। अभी हम ये लक्कड़ मंडी से जाएंगे काला टॉप,
काला टॉप जाने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ता है एक गाड़ी के 50 रुपये, तीन गाड़ियाँ भैया 150 रुपया। चलो भैया ये 150 रुपया यहाँ का काला टॉप जाने का फीस है। अब ये बैरियर उठाया जा रहा है, यहाँ एक गाड़ी के 50 रुपये लिए जाते हैं एंट्री के काला टॉप जाने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं काला टॉप। कितना घना जंगल है भाई, यहाँ तो पूरा जंगल है देवदारों का। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ जो तस्वीरें लगा रखी है, यहाँ हिरन है, चीता भी है, भालू भी है। आगे का जो व्यू है ना उधर टोटल आगे सीधा बस बादल ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। लेंस करके जेने आंदे जे को जमा करके एक माला एक रुपए है इधर आ जा पुकी के बिना। ये कोल्ड ड्रिंक से चल रही है ना, आज का बंदा ना ना काला टॉप का सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ रहने के लिए इसकी या तो ऑनलाइन बुकिंग होती है या चंबा से। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है ये। आठ हजार फुट पे ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काला टॉप। काला टॉप इसे इसलिए बोलते हैं शायद कि यहाँ पे धूप नहीं आती ज़्यादा पेड़ों की वजह से, यहाँ हमेशा घनी छाँ बनी रहती है। इसीलिए इसी को काला टॉप बोला जाता है शायद, ये मेरा मानना है, शायद इसका कोई और कारण ही हो सकता। ये काला टॉप की पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क हो सकती है और इस गेट से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। और सफाई वाई का वहाँ यहाँ पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत शांत जगह है, बहुत ही शांत जगह है, कोई शोर नहीं है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बड़ी शांत और सहज है। इन लोगों ने अपनी ज़रूरतों को बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है, इसलिए मैं देखता हूँ कि जो हिमाचल के लोग हैं यहाँ के पहाड़ों की तरह शांत हैं, सहज है, इनमें कोई दौड़ नहीं है। चलते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे, इनको कोई जल्दी नहीं होती कहीं पहुंचने की। ये छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर चाय, मैगी, बिस्किट, दाल चावल, रोटी वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। पहुंच चुके हैं गांधी चौक डलहौजी में। हाँ जी सर, नहीं अभी नहीं लगाना नहीं है सर, मैंने 2 मिनट वेट करनी है अपने साथियों की। हाँ लगा देता, ठीक।
फकीरा भाई आ चुके हैं, अभी शूट कर रहे हैं अभी। खाला जी आ गए। है दोस्तों, अभी मैं हूँ डलहौजी में, होटल का नाम है होटल डलहौजी और लाइट बंद होगी। ये ओल्ड टाइप रूम है सभी, ये देखो लकड़ी की छत है इसकी, लकड़ी की दीवारें हैं। अलमारी भी, कबर्ड है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। वॉशरूम बहुत अच्छा है, वॉशरूम की वद्दी कहाँ जगह की, गीजर तो छोड़ दें भैया। ये बाथरूम है, बाथरूम बहुत अच्छा है। ये सिंक है, ये देख सकते हैं बड़ा वाला मिरर है। ये मेरे डलहौजी वाले रूम की इंट्रोडक्शन। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, क्योंकि होटल का बना खा के हम पक चुके हैं। अभी कुछ बाहर से लाते हैं, हल्का फुल्का खाएंगे और क्या मिलता है आपको दिखाता हूँ।